नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम जो लास्ट में हमने जो लेक्चर 1 और 2 में मैनेजमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ा था, उसी के आगे का जो डिस्कस है उस चैप्टर के बारे में आज हम आगे पढ़ते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। बहुत ही लेंदी चैप्टर है, मतलब ये तो उसमें एक बड़ा जो उसमें पैरा है वो है अपने प्रबंध की प्रकृति का। ओके, इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हम आज नेचर ऑफ मैनेजमेंट को आज हम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही प्रयास करूंगा कि भाई आपको सारा जो नेचर है मैनेजमेंट को जिससे कंपेयर किया गया है उसको बहुत ही अच्छे से समझाया जा सके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन से कि प्रबंध को बहुविद्या कहा जा सकता है या नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रबंध बहुविद्या के रूप में समझाइए, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। तो उसका आंसर हमें समझाना पड़ेगा, उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले, कभी भी आपको किसी भी चीज से मैनेजमेंट को कंपेयर करना पड़े तो आप जिस चीज से अब इसे मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए नॉलेज कि भाई जिस वस्तु से यानी जो मतलब जिस टॉपिक से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं आखिर वो है क्या। तो आज हम पढ़ रहे हैं मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, प्रबंध बहुविद्या के रूप में। तो सबसे पहले मेरे को क्या पढ़ना है कि विद्या होती क्या है, विद्या होती क्या है, ये जानना जरूरी है। तो मैंने यहां एक्सप्लेन किया है एक लाइन में, डिसिप्लिन को क्या बोला है, ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विद्या कहा जाता है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को क्या कहा जाएगा, डिसिप्लिन कहा जाएगा। कि मतलब जो हमारा सिस्टमेटिक नॉलेज है उसे हम क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन बोलेंगे। ठीक है, जो भी एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज जो सिस्टमेटिक तरीके से है वो क्या है, डिसिप्लिन है। ओके, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि डिसिप्लिन जो विद्या होता है होती है तो वो कितने तरीके की होती है। तो उसके कई टाइप होते हैं, टाइप ऑफ डिसिप्लिन के, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, कला, विज्ञान, वाणिज्य और कानून। ये क्या है, टाइप है किसके, विद्या के। ओके, अभी मैंने ये क्लियर नहीं किया है, मैं अभी मैनेजमेंट को डिसिप्लिन, पहले मैं आपको डिसिप्लिन का मीनिंग बता रहा हूं, अभी मैं मल्टी डिसिप्लिन के बारे में अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो याद रखना, केवल मैं अभी ये विद्या क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूं कि क्या होता है कि भाई ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को क्या कहा जाता है, विद्या कहा जाता है। ओके, मैंने ये भी बताया इसमें कि इसके कितने टाइप होते हैं डिसिप्लिन के, तो कौन कौन से हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ। ओके, रिस्क क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि जो भी विद्या है जैसे कि आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, लॉ है, इन सभी विद्याओं का अपना अपना उद्देश्य होता है, होता है या नहीं होता है। यदि आर्ट्स का भी अपना एक उद्देश्य होता है, कॉमर्स का मतलब कॉमर्स सब्जेक्ट का भी अपना एक उद्देश्य होता है, साइंस का भी अपना खुद का एक उद्देश्य होता है, और लॉ जो कानून की व्यवस्था है उनका भी अपना अपना उद्देश्य होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई आर्ट्स साइंस इसका तो कोई उद्देश्य नहीं, केवल कॉमर्स का उद्देश्य है, ऐसा नहीं कह सकते। ये चारों जो भी विद्या का रूप है, इन तीनों मतलब चारों का क्या होता है, प्रत्येक विद्या का अपना अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है।
साइंस का उद्देश्य क्या होगा, साइंटिफिक जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उनके लिए, कॉमर्स में कॉमर्स के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस होते हैं उनकी नॉलेज के लिए, ठीक है, लॉ में क्या होता है बिजनेस प्रोटेक्शन संबंधी, ट्रांजैक्शन संबंधी जो प्रोटेक्शन देना है तो उसके लिए कानून बनाना, या कोई भी आईपीसी कोड मतलब उस तरीके का कानून बनाना। तो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं इनके अपने अपने प्रत्येक के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। तो कह सकते हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स लॉ इनके एवरी जो अपना जो क्या है डिसिप्लिन है उनका क्या होता है अपना अपना क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। इट इज क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि विद्या होती है उनके अपने उद्देश्य होते हैं, तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं सिद्धांतों का विकास करते हैं, क्या करते हैं सिद्धांतों का विकास करते हैं। याद रखना प्रत्येक विद्या का अपना अपना एक उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो क्या करेंगे डेवलप करेंगे प्रिंसिपल को, क्या करेंगे डेवलप करेंगे प्रिंसिपल को किसके लिए कि जिससे मुझे अचीव हो जाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, यानी जो भी मैं कोई कार्य कर रहा हूं उसका ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए मुझे मिल जाए उसके लिए मैं क्या करूंगा सिद्धांतों का विकास करूंगा डेवलप करूंगा प्रिंसिपल्स को, ओके। तो मुझे ये पता चल गया कि डिसिप्लिन होता क्या है, ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को क्या कहते हैं डिसिप्लिन कहते हैं, और ये कितने तरीके की होती है चार तरीके से बोल सकते हैं इसको, कला विज्ञान वाणिज्य और कानून। प्रत्येक विद्या का अपना अपना क्या होता है एक उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है सिद्धांतों का विकास करना पड़ता है। यदि हम क्या करेंगे सिद्धांतों का विकास नहीं करते हैं तो क्या होगा जो हमारी ये सब्जेक्ट है विद्या है वो उनसे हम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें डेवलप करने पड़ते हैं किस चीज को उनके सिद्धांत को, ओके। तो ये तो डिसिप्लिन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, डिसिप्लिन कितने तरीके के होते हैं ये भी मैंने बता दिया, डिसिप्लिन का अपना सेल्फ ऑब्जेक्टिव होता है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। उन सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो अपने सिद्धांतों का प्रिंसिपलों को क्या करते हैं डेवलप करते हैं थ्योरी बनाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब भाई हमें क्या करना है हमें मैनेजमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन से क्या करना है कंपेयर करना है कि भाई यह बहुविद्या है या नहीं है, ओके। तो बात सामने आती है कि भाई प्रबंध एक स्वयं विद्या है, अपने आप में प्रबंध को क्या माना गया है एक विद्या माना गया है, बिल्कुल राइट। मैनेजमेंट भी एक अच्छा सब्जेक्ट होता है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी अपने आप में क्या है एक डिसिप्लिन है, ओके। मैनेजमेंट अपने आप में क्या है एक डिसिप्लिन है, यह अनेक विद्या से मिलकर बना होता है। जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो कई सारी सब्जेक्टों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो राजनीतिक विज्ञान हो चाहे समाजशास्त्र हो, ठीक है। तो ऐसी कई तरीके की सब्जेक्ट है उनसे मिलकर हमारा क्या बना है मैनेजमेंट बना है, ओके। तो इसलिए प्रबंध एक क्या है बहुविद्या है, प्रबंध क्या है एक बहुविद्या है। तो इट इज क्लियर, हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, ओके। मतलब प्रबंध अपने आप में क्या है एक विद्या है स्वतंत्र विद्या है, ठीक है, साथ में ये कई सारी विद्याओं से मिलके बना है, मतलब बहुत सारी मतलब डिसिप्लिन है उनसे मिलकर बना है हमारा मैनेजमेंट का चैप्टर। तब इसलिए इसे क्या बोलते हैं मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, ओके। तो यहां पर हमने ये कंपेयर कर लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमने क्लियर कर लिया है, आगे इस वीडियो में देखते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस
इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको क्या करना है, आपको एक ड्यूटी निभानी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है घर पर अपनी बुक में, ठीक है, आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ओके, और अच्छे से इसको पढ़ोगे और फिर मेरा वीडियो भी देखोगे तो साथ में बहुत नॉर्मली ये आपको समझ में आ जाएगा, किसी को कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। बट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप केवल बोर्ड मतलब या ऑनलाइन क्लासेस के साथ अपने घर पर भी क्या रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आप सोचते हो कि केवल ऑनलाइन क्लासेस के प्रोवाइड से हम क्या करेंगे भाई, अपने लक्ष्य होंगे, नहीं, आपको घर पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से स्कूल का ही तो माहौल है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी क्लासेस आ रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको घर पर एक बार अच्छे से पढ़े, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब यहां पर क्या करा है, देखो मैनेजमेंट को सबसे पहले तो क्लियर किया किसमें, डिसिप्लिन से। अब मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं किससे, साइंस से। ओके, क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन क्लियरली मैनेजमेंट एज ए साइंस, यस या नो। ओके, तो क्लियर करना जरूरी है कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है या नहीं है। तो ऐसे ये टॉपिक भी थोड़ा ऐसा लगता है जब पढ़ते हैं तो यार समझ में आता है नहीं, पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करता हूं इसको, मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से लेके जा रहा हूं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको किताबी तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता, केवल कि आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप किताब को भी पढ़ के अच्छे से आप उसमें मार्किंग ला सकते हो। यदि मैं आपको किताब के बेस पर ये किताब की तरीके से लिखा देता हूं, पढ़ लेते हो तो क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एग्जाम टाइम भी ये पूछते रहोगे, सर मुझे ये समझ में नहीं आता। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी थ्योरी होनी चाहिए कि भाई हमें क्या करना है, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। उसके अलावा हम फिर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि भाई मैनेजमेंट को किसी भी चीज से आप कंपेयर करो तो याद रखो उस जिस चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो यहां पर मुझे किस चीज के बारे में जानना जरूरी है, साइंस के बारे में, कि साइंस क्या है। तो साइंस क्या है, ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। साइंस क्या है, ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को। आप यदि कोई सिस्टमैटिक टाइप में नॉलेज अचीव कर रहे हो तो वो क्या है, साइंस है, ठीक है। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और उसके बाद आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या कर रहे हो, नॉलेज इकट्ठा कर रहे, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। शॉर्ट में बताया गया है कि ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। और मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को लेके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, साइंस है। ओके, अब भाई साइंस में क्या होता है, साइंस में सबसे अहम रोल किस चीज का होता है, वो होता है सिद्धांत का। साइंस में सबसे ज्यादा अहम रोल किसका होता है, सिद्धांत का, कि साइंस जो है ना अपना सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, उसके कुछ ना कुछ अपने अपने कार्य के प्रिंसिपल वो बनाए रखते हैं, थ्योरीज बनाए रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। तो ये बोला जाता है कि जो साइंस का जो साइंस के जो प्रिंसिपल है ना वो एप्लीकेबल है यूनिवर्सल। साइंस के जो प्रिंसिपल तैयार किए जाते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। कभी भी याद रखना, यूनिवर्सल का मतलब सभी जगह समान रूप से कोई चीज लागू होती है वो क्या है, यूनिवर्सल है। तो आप भी को भी पता है साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सभी जगह समान रूप से क्या होते हैं,
लागू होते हैं। तो कहा जाता है कि साइंस क्या है, ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को साइंस कहते हैं। और ये किस पर डिपेंड होते हैं, सिद्धांत पर डिपेंड होते हैं। कोई ना कोई बेसिक प्रिंसिपल तैयार किया जाता है और वो सिद्धांत एप्लीकेबल होते हैं यूनिवर्सल। ओके, आगे बात करते हैं। दिस प्रिंसिपल शो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। दिस प्रिंसिपल शो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि इसके जो सिद्धांत होते हैं विज्ञान के, वो कारण और परिणाम पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, कारण और परिणाम, कारण और परिणाम पर आधारित होते हैं। किस क्या चीज, साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कारण और परिणाम पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, संबंधित होते हैं। तो ये भी ये लिख रहा है, दिस प्रिंसिपल शो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। भाई सिद्धांत का मतलब कब, सिद्धांत कब तैयार होता है, हम किसी सब्जेक्ट के बारे में काफी सारा रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के बाद हम उस तथ्य को इकट्ठा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड है हम कारण परिणाम तक जा रहे हैं, तभी तो वो सिद्धांत माना जाता है। ओके, सिद्धांत में हम पहले ही किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हर तरीके से हम सेटिस्फाइड हैं, अब जाके हमने वो सिद्धांत तैयार कर लिया, तभी तो वो सिद्धांत क्या होता है, एप्लीकेबल होता है यूनिवर्सल। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल नहीं चलेगा वो प्रिंसिपल। ओके, अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हम तैयार करते हैं साइंस में, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। इनकी आवश्यकता इसलिए होती है कि हमें क्या होता है कि कई सारी प्रॉब्लम से फेस करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम को। ओके, एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि साइंस क्या है। मेरा उद्देश्य है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको कोई कोर्स करा रहा हूं, मुझे अपने हर स्टूडेंट का हर प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक में। ओके, तो याद रखना, मैनेजमेंट एज ए साइंस, साइंस क्या है, ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, और उनके जो सिद्धांत होते हैं वो सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सार्वभौमिक बोला जाता है। और जो प्रिंसिपल होते हैं विज्ञान के, वो क्या होता है, शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो कारण और परिणाम से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये प्रिंसिपलों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये साइंस हो गया। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको मैनेजमेंट से किसी से भी आपको कंपेयर करना है तो पहले उस चीज के बारे में जानना जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं क्या मैनेजमेंट और साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं सेम है क्या, आइडिया लगाते देखते हैं। जैसे साइंस ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन पर कार्य करता है, क्या मैनेजमेंट भी ऐसा है क्या, मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक नॉलेज होती है क्या, यस बिल्कुल, सिस्टमेटिक नॉलेज के अकॉर्डिंग ही क्या करता है वो काम करता है मैनेजमेंट। सॉरी, साइंस में जिस तरीके से सिद्धांत होते हैं, क्या मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं क्या, बिल्कुल। और हमारे तो हेनरी फ्योल ने भी 14 प्रिंसिपल बताए थे, इसके मैनेजमेंट के बताए थे, होने को तो हमारे पास 5 दर्जन से ज्यादा सिद्धांत बनाए हुए हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। इनमें से मोस्ट 14 सिद्धांत तो हेनरी फ्योल ने बताए हुए हैं अपने 3rd चैप्टर में। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, अब तक तो बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहां पर साइंस के सिद्धांत तो एप्लीकेबल होता है यूनिवर्सल, क्या मैनेजमेंट के सिद्धांत यूनिवर्सल होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं होते हैं, सार्वभौमिक नहीं होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं हम सिद्धांतों को, पर साइंस के प्रिंसिपल को हम चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, एक एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल रूप में ले सकते हैं, परंतु साइंस के को तो नहीं ले सकते हम। तो कह सकते हैं साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो तो एप्लीकेबल होते हैं यूनिवर्सल, परंतु मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है वो एप्लीकेबल नहीं होता है सभी जगह। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं कि जैसे इसके सिद्धांत भी सॉल्व करते हैं काफी सारी प्रॉब्लम, तो हमारे सिद्धांत मैनेजमेंट के सिद्धांत भी क्या होता है, काफी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। परंतु ये सभी विशेषताओं को हमने ढंग से पढ़ा साइंस की और मैनेजमेंट से कंपेयर किया, तो मुझे एक बात पता चली कि मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस। क्या? कि जो प्रबंध होता है वो कौन सी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता साइंस की, प्योर शुद्ध श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ओके, याद रखना मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं माना गया है, शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं माना गया है। यदि मैनेजमेंट के सिद्धांत भी यूनिवर्सल होते तो एक बार हम इसे क्या कर सकते थे, मैनेजमेंट को एज ए साइंस मान सकते थे, बट यहां पर हम कहेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस बिकॉज ये कैसा साइंस, मतलब कैसा साइंस है, इनएक्सेप्ट साइंस, प्योर नहीं है। ये एक सामान्य साइंस की श्रेणी में तो हम रख सकते हैं, परंतु इसे प्योर साइंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इट इज क्लियर, मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस, ये कौन सा साइंस है, इनएक्सेप्ट। ओके, शुद्ध साइंस हम इसे नहीं कह सकते, ठीक है, इसे एक सामान्य कैटेगरी के साइंस की श्रेणी में रखा जा सकता है। ओके, तो यहां पर हमने मल्टीडिसिप्लिनरी को भी पढ़ा, यहां हमने मैनेजमेंट एज ए साइंस भी पढ़ लिया। ओके, अब यहां पर क्या होता है, हम तीसरी कैटेगरी में चलते हैं, हम मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स, कौन सा, मैनेजमेंट एज ए आर्ट। मैंने हमेशा यही बता रहा हूं, लगातार मैं यहां पर ये दोनों टॉपिकों में आपको बार बार क्लियर कर चुका हूं कि आपको मैनेजमेंट से किसी भी चीज को क्लियर करना है तो सबसे पहले जिस चीज से आप क्लियर कर रहे हो उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो हम जो थर्ड है इसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट कला है या नहीं, मैनेजमेंट कला है या नहीं, इसके बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता है ना, पता है या नहीं है, आपको पता है ना कि हमको सबसे पहले क्या करना है, कला को पता करना है कि कला है क्या। इट इज क्लियर, तो हम सबसे पहले कला के बारे में डिस्कस करेंगे, कला की खूबियां कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके लिए, कंपेयर करेंगे किससे, मैनेजमेंट से। ओके, तो देखते हैं यहां पर जो आर्ट्स है, इट्स बेस्ड बिहेवियर और प्रैक्टिस, आर्ट्स इट्स बेस्ड बिहेवियर और प्रैक्टिस। जो हमारी कला होती है ना वो व्यवहार पर आधारित है, किस पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है, प्रैक्टिस पर आधारित है, दक्षता भी लिख सकते हैं हम यहां पर कि कला का जो भी काम है दक्षता के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आर्ट्स इट इज बेस्ड बिहेवियर और प्रैक्टिस। ओके, मतलब कि जो कला है जो किस पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित होने वाली चीजें हैं। क्या कला के अंदर क्या सिद्धांत होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, कला में किस चीज का सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, कला में तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारा बिहेव अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, तो कला में सिद्धांत बनाने की तो कोई रूल्स ही नहीं है, ठीक है। और ना ये
साइंस की तरह कारण और परिणाम को घोषित कर रहा है। ओके, तो यहां पर हम साइंस से पहले मैंने कंपेयर किया आर्ट्स को, मैंने सबसे पहले साइंस और आर्ट्स को कंपेयर कर लिया, तो मैंने देखा कि आर्ट्स से बिल्कुल अपोजिट है साइंस। जिस तरीके से साइंस में एक सिस्टमेटिक नॉलेज की बात की जाती है, ऑब्जर्वेशन की बात की जाती है, रिसर्चेस की बात की जाती है, प्रिंसिपल डेवलप किए जाते हैं, वैसा कला में बिल्कुल नहीं है। कला में तो क्या है, बिहेवियर और प्रैक्टिस। ओके, अब एक बात बताइए, हम किसी कार्य को कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, हमारे वो कार्य प्रैक्टिस में आ रहा है, बिल्कुल हम अच्छे से उस कार्य को समझ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने से क्या हो रहा है, हमारी क्या पावर बढ़ रही है, स्किल पावर बढ़ रही है, साथ में बढ़ती है नहीं बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। हम जिस तरीके से हम कार्य करते जाते हैं तो हमारी दक्षता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। प्रैक्टिस करने से, बिहेवियर से हमारी क्रिएटिविटी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी ग्रोथ होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है। ओके, तो याद रखना आर्ट्स जो बिहेवियर और प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है उसको करने से हमारी स्किल पावर, क्रिएटिविटी, ये दोनों चीजें क्या होती है, मजबूत होती है। ओके, अब क्या होता है कि स्किल, क्रिएटिविटी, इनसे क्या बढ़ता है, परफेक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, परफेक्शन बढ़ता है। यदि हम कोई कार्य को कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं तो क्या बढ़ेगी, स्किल और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और यदि इससे हमारे कार्य में क्या आएगा निकल के, परफेक्शन निकल के आएगा। कहते हैं ना कि कोई आदमी बहुत ही अच्छा होता है, किसी कार्य में निपुण होता है, कि भाई ये परफेक्शन बंदा है। इसी तरीके से कलाम का कार्य कोई करता है और डे टू डे कर रहा है, प्रैक्टिस में ला रहा है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल रख रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, क्रिएटिविटी को यूज में ले रहा है, स्किल पावर को बढ़ा रहा है, तो उसके कार्य में क्या झलकेगा, उसके कार्य में परफेक्शन झलकेगा। झलकेगा या नहीं झलकेगा, बिल्कुल झलकेगा ना। ओके, तो ये तो मैंने कला की बात कर ली, ठीक है। अब हमने यहां पर बात करते हैं कि कला मैनेजमेंट है या नहीं है। ओके, हम किस बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, कि कला है जो क्या मैनेजमेंट है या नहीं है। तो जिस तरीके से हमने साइंस की कुछ विशेषताओं के अकॉर्डिंग देखा, तो मैं क्या देखता हूं कि जो मैनेजमेंट है क्या वो भी बेस्ड है क्या बिहेवियर और प्रैक्टिस पर, क्या मैनेजमेंट का जो फंक्शंस होते हैं वो भी बेस्ड होते हैं क्या प्रैक्टिस पर या बिहेवियर पर। बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली राइट कि बिल्कुल होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर लेक्चर फर्स्ट में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट का कार्य क्या है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना, और दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को ही तो कहते हैं ना मैनेजमेंट। तो आप सोचिए, यदि आपका व्यवहार अच्छा है तभी तो आप क्या हो, कि आपके अंदर एक ऐसी कला है कि आप दूसरे व्यक्तियों से क्या करा सकते हो, कार्य करा सकते हो। ओके, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी बिहेवियर प्रैक्टिस सकता है भाई, उस पर बेस होता है, बिल्कुल होता है। क्या मैनेजमेंट में के कार्य को करने में हमें क्रिएटिविटी का फील होता है, क्या क्रिएटिविटी करते हैं क्या मैनेजमेंट के कार्य में, बिल्कुल करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन करते रहते हैं। ओके, हमारे क्या होता है कि मैनेजमेंट का हम कोई कार्य कर रहे हैं, जितना अधिक प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी स्किल पावर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। भाई अभी तक कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आया है, जब मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट बिल्कुल आर्ट्स जैसा है, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि मैनेजमेंट के कार्य को हम जितना अधिक करते हैं, जितना हमें अधिक एक्सपीरियंस होता है, तो क्या होता है, हमारा कार्य कैसा हो जाता है, बिल्कुल परफेक्शन टाइप का हो जाता है। ओके, तो मैनेजमेंट के कार्य को हम डेली कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं,
तो हमारी क्या बढ़ती है, परफेक्शन का बढ़ती है, बढ़ती है नहीं बढ़ती है। ओके, अब बात में ये लास्ट में डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट एज ए आर्ट, यस या नो, आप बताइए यस या नो। बिल्कुल यस, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, तो हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, प्रबंध एक कला है। अच्छी तरीके से हम बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है, क्योंकि आर्ट्स की सभी विशेषताएं हमारे प्रबंध में पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स। ओके, तो यहां पर हमने पढ़ लिया है कि पहले हमने पढ़ा था कि आर्ट्स क्या है। आर्ट्स क्या है कि भाई ये बेस्ड होता है बिहेवियर और प्रैक्टिस पर, और जिस तरीके से कार्य करता है, डे टू डे प्रैक्टिस करता है, तो हमारी स्किल पावर और क्रिएटिविटी ग्रोथ करती है। और यदि एक बात बताइए, आपकी क्रिएटिविटी और स्किल पावर ग्रोथ करेगी तो आपके कार्य में क्या आएगा, परफेक्शन आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो हमने लास्ट में यही डिसाइड होता है कि हमने जब आर्ट्स की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेजमेंट से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि मैनेजमेंट भी, मैनेजमेंट को हम एक कला के रूप में देख सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमने तीनों तरीके के नेचर को पढ़ा, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, ओके, हमने ये भी देखा कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, यस या नो, तो हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है, प्योर साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, सॉरी, और इनएक्सेप्ट साइंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका लास्ट जो टॉपिक होता है मैनेजमेंट एज ए, एज ए कर लो इधर, एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, क्या जो प्रबंध होता है, जो प्रबंध है सार्वभौमिक प्रक्रिया है या नहीं, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है या नहीं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो यूनिवर्सल होता है, ठीक है, उसका मतलब है सभी जगह समान रूप से लागू होना। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, यूनिवर्सल कहीं भी आ जाए तो याद रखना, यूनिवर्सल से मतलब कि कोई ऐसा कार्य जो सभी जगह समान रूप से लागू होता हो। ओके, तो आज हम कंपेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट को किससे, यूनिवर्सल से, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जिससे भी कंपेयर करते हैं उसके बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है। तो मैंने यहां पर आपको बता दिया भाई यूनिवर्सल प्रोसेस क्या होती है, कि किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं सभी जगह समान रूप से लागू कर पा रहे हैं या नहीं, यदि कर पा रहे हैं तो वो चीज क्या है, यूनिवर्सल है। ओके, अब बात करते हैं आगे, इसका जो मेन टॉपिक है भाई क्या हुआ है, इस विषय के, इस चीज के बारे में बहुत झगड़े हुए हैं ये मान लीजिए, ठीक है। किसी ने इसके फेवर में बात की है कि यस कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, कुछ इसके डिसफेवर में चले गए, कुछ तो क्या हुआ, कुछ ने तो इसके फेवर में बात की और कुछ ने इसके डिसफेवर में बात की कि नहीं, कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। तो हम इसके फेवर में जो बात हुई थी, आर्गुमेंट हुए थे, उसके बारे में बात करते हैं, आर्गुमेंट इन फेवर, इसका जो आर्गुमेंट इन फेवर है, थियो हैमन, याद रखना, थियो हैमन ने इसके पक्ष में तर्क दिए थे, एक बंदा था थियो हैमन, उसने इसके फेवर में बोला था। ओके, और क्या बोला था, दो तरीके से जोड़ दिया इसमें, उसने दो टॉपिक छेड़े थे कि भाई ये दोनों चीजें देख लो, दोनों चीजों के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है। तो सबसे पहले उसने बोला प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंध प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्य से मतलब है। तो प्रबंध प्रक्रिया के कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोई नियोजन,
संगठन, नियुक्ति, समन्वय, ठीक है, निर्णय, ये जो सारे कार्य होते हैं ना, वो किसके कार्य है? प्रबंध के कार्य है कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन, जॉइनिंग, कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग, ओके, ये सारे कार्य करता है प्रबंध। अब हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, चाहे हमारी कंट्री में हो या अदर कंट्री में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो मतलब क्या कहते हैं नॉन बिजनेस एरिया में हो या बिजनेस एरिया में, ठीक है, परंतु प्रबंध के जो कार्य है वो बिल्कुल सेम जाते हैं। यदि यहां पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लानिंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं है क्या भैया कि सामने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो प्लानिंग करेगी, तो मैनेजमेंट के कार्य तो कैसे मिलते हैं? बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो इसने फेवर में बोला था थियोमन ने कि प्रबंध की प्रक्रिया को चेक कर लीजिए कि पहले तो आप, ठीक है, प्रबंध की प्रक्रिया को चेक किया, हमने देखा कि भाई ये कार्य होते हैं सभी जगह लागू होते हैं क्या? बिल्कुल लागू हो रहे हैं, ये भी बात सही थी। इसने बोल दिया प्रबंध के सिद्धांत के बारे में, ठीक है, इसने बोला कि प्रबंध के सिद्धांत भी सभी जगह लागू होते हैं, ये थियोहेमन का विचार था कि सभी जगह लागू होते हैं, ओके, परंतु इसने ये भी बोल दिया कि आप जब भी इन्हें लागू करो, प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करो, तो उस देश की संस्कृति के बारे में पता कर लो, उसके अकॉर्डिंग उसमें देश के सिद्धांत, मतलब जो प्रबंध के सिद्धांत वो एप्लीकेबल कर दो। तो यहां पर क्या हुआ, जो मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें आर्गुमेंट इन फेवर अकॉर्डिंग टू थियोहेमन, उन्होंने दो तरीके से बताई थी कि मैनेजमेंट प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो सभी जगह समान रूप से लागू होती है, यूनिवर्सल है, और जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको आप क्या करो, कल्चर के अकॉर्डिंग डिफाइन करो, ओके, तो इस तरीके से कह सकते हैं ये फेवर में पक्ष दिया था थियोहेमन ने। अब यहां पर लास्ट है आर्गुमेंट, भाई किसी का जब पक्ष लेते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो विपक्ष में बात करते हैं, तो यहां पर स्टीफन रॉबिन है, स्टीफन रॉबिन ने बिल्कुल साफ तरीके से नकार दिया था कि मैनेजमेंट क्या नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। अब इसने भी क्या करा, स्टीफन रॉबिन्स था जिसने क्या दिया है, जिस फेवर में दिया है, आर्गुमेंट किया है किसके बारे में, मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल ने, इसने क्या करा है कुछ तर्क दिए हैं, उन तर्कों के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि आप प्रबंध को यूनिवर्सल नहीं मान सकते, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कौन कौन से तर्क हैं। तो पहला तर्क क्या है, देश या संगठन की संस्कृति, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने सबसे पहले यह तर्क दिया, इसने बोला कि भाई सभी देश की संस्कृति कल्चर अलग अलग होता है, आप किस तरीके से प्रबंध के सिद्धांतों को एप्लीकेबल कर दोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, सभी संगठन का भी संस्कृति अलग अलग होती है, आप किस तरीके से यूनिवर्सल मानते हो यानी प्रबंध के सिद्धांत एप्लीकेबल कर दोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका यह तर्क भी सही था। इसने एक तर्क दिया ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य के बारे में, बोला इसने कि डिफरेंट हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन के उद्देश्य हैं वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही है भाई। यदि आप कोई स्कूल चला रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो स्कूल से संबंधित, कोई बिजनेस से संबंधित, तो सबके अपने अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं। स्कूल का लक्ष्य है कि रिजल्ट अच्छा देना है, बिजनेस वाले का लक्ष्य है कि भाई पैसा कमाना है अच्छे से, तो भाई दोनों का उद्देश्य अलग हो गया। तो ये भी तो यही बोलना चाहता है कि प्रत्येक संगठन के उद्देश्य अलग हो सकते हैं, तो आप सिद्धांतों को किस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हो, नहीं कर सकते प्रबंध के सिद्धांतों को। तो यहां पर ये तर्क भी फिट होता है। अब बात करते हैं संगठन का प्रबंधकीय दर्शन, संगठन का प्रबंधकीय दर्शन कि भाई ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आपका एक तर्क होता है कि यदि सेम ऑर्गेनाइजेशन है तो बोले दो, यदि सेम ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका जो मैनेजरियल रोल होगा वो तो डिफरेंस हो सकता है ना, हो सकता है किसी संस्था का मालिक कैसा हो थोड़ा अलग सोचता हो, किसी अदर कंपनी का जो मालिक है वो कुछ और सोचता हो, उसका दृष्टिकोण अलग हो, किसी अदर का अलग हो, तो भाई सेम तो हम नहीं कह सकते ना कि भाई एक मतलब कि एक ऑनर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए उसकी स्टाफ ही फैमिली है,
ओके वो उनकी सोच के चलता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है जिनके बारे में स्टाफ के बारे में नहीं सोचता, उसका केवल काम क्या है, पैसा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग हो सकते हैं प्रबंध के दर्शन भी। अब बात करते हैं भाई, ये तीनों तर्क हमने दे दिए, संस्कृति, उद्देश्य और प्रबंध के दर्शन, उनके अकॉर्डिंग हम प्रबंध के सिद्धांतों को समान रूप से लागू नहीं कर सकते। तो क्या मैनेजमेंट को यूनिवर्सल माने या नहीं? तो भाई यहां पर लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल बट प्रिंसिपल नॉट यूनिवर्सल। बिल्कुल सही कि मैनेजमेंट तो क्या है, यूनिवर्सल है, प्रबंध को तो सार्वभौमिक माना गया है, परंतु प्रबंध के जो सिद्धांत है उनको सार्वभौमिक नहीं माना गया है। ओके, याद रखना, जब इसके बाद में आप निष्कर्ष इसका कंक्लूजन लिखते हो तो क्या लिखोगे, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल बट प्रिंसिपल नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक को पढ़ा, ओके और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसको। मैंने बहुत ही अच्छे से आपके उनके कंसेप्ट क्लियर किए हैं, मैंने आपको बिल्कुल किताबी के अकॉर्डिंग नहीं कहा है, किताब के अकॉर्डिंग मैंने आपको केवल लिखा दिया और आप याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है। मैंने हर टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। अब आप अपनी बुक में रीडिंग करते हो ना घर बैठ के, तो बहुत अच्छे से याद कर लोगे इसको, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको तो पता है कि भाई क्या है, इसमें इसका क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से इसको बहुविधा माना है, कितने तरीके की डिसिप्लिन होती है। तो यहां पर आपको हमने एक रटने वाली स्टडी पर फोकस ना करते हुए कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है, जिससे आपको क्या हो कि थ्योरिकल सब्जेक्ट में पढ़ने में आपको मजा आता है, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसी के साथ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रबंध के कार्य के बारे में पढ़ाऊंगा, जो आपका जो भी लेक्चर फॉर उसके अकॉर्डिंग, साथ में प्रबंध के कार्य जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में। ओके, धन्यवाद। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर पर पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम तो आपको। धन्यवाद।